अम्मार खान, आप देख रहे हैं RATV न्यूज़। मुंबई के उपनगर चीता कैंप ट्रॉम्बे इलाके से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक टेम्पो चालक ने एक 2 साल बच्ची के ऊपर टेम्पो चढ़ा दिया और उस बच्ची की मौत हो गई। बता दें, पूरा मामला इस प्रकार है कि आज दोपहर में जब बच्ची अपने भाइयों के साथ खेल रही थी, उसी दौरान एक टेम्पो चालक ने अपना टेम्पो स्टार्ट करते हुए बच्ची को ना देखा और उसी के ऊपर टेम्पो को चढ़ा दिया, जिसके बाद बच्ची का इलाज के लिए शताब्दी हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। अस्पताल लेके जाने के बाद डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया और उसके बाद पुलिस इस मामले को ATR के तहत मामला दर्ज कर ली थी। फिर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता 304 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। बता दें, पूरा टेम्पो ईंटे से लोड था, जिसका हम आपको CCTV फुटेज दिखाएंगे कि किस तरीके से टेम्पो चालक ने उस बच्ची के ऊपर टेम्पो चढ़ाया और 2 साल की बच्ची ने अपनी जान से हाथ धो बैठी। देखिए पूरा वीडियो। ऐसी और अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें RATV न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट जैन सैयद के साथ RATV न्यूज़ मुंबई।